नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर हमारा है 0222300 1634, या फिर आप हमें 0222300 1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और X.com पर आप हमें @ZBusiness अपने सवाल भेजिए, #BazaarAajAurKal लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार में लगातार तीसरे दिन सपाट कारोबार देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 143 अंकों की गिरावट के साथ 64,832 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 48 अंक फिसलकर 19,395 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 25 अंक चढ़कर 43,683 पर बंद हुआ। रियल्टी, ऑटो और बैंक शेयरों में आज रही खरीदारी। और आइए अब एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से समझते हैं कि वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में मिले जुले कारोबार के क्या है मायने। निफ्टी की वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखा सीमित दायरे में हल्की सुस्ती के साथ मिला जुला कारोबार। सुस्ती इसलिए कि निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए। मिला जुला कारोबार इसलिए कि बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से हल्की सुस्ती के संकेत थे, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पर, क्योंकि देखिए एक और जहां अमेरिका में नैस्डेक लगातार 90 दिन बंद होता दिखा, 2 साल की सबसे लंबी तेजी लगातार 9 सेशन की। वहीं डाओ 7 दिन बढ़ने के बाद कल हल्का सा 40 पॉइंट नीचे बंद हुआ, तो कोई खास संकेत वहां से बुरे नहीं थे। कच्चा तेल $80 के नीचे आता हुआ दिखा, और भारतीय बाजारों के लिए इससे बढ़िया क्या चाहिए कि कच्चा तेल इतना तेजी से घटे। तो इसलिए आज से हमने संकेत ठीक ही पड़े, मजबूत शुरुआत होना तय थी, लेकिन उसके साथ हम खुले एकदम फ्लैट। कल के हाईस के आसपास पहुंचे 19,465 और दिन भर हमने मुश्किल से 19,400-1,465 के रेंज में ट्रेड किया। आखिरी एक घंटे में जरूर एक बार के लिए थोड़ा सा 19,400 के नीचे फिसले, लेकिन फाइनली क्लोजिंग उसी के आसपास होती दिखी। बैंक निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी हो जाने के बाद आज सुबह से थोड़े बेहतर, थोड़े मजबूती के संकेत दे रहा था। हल्की फुल्की कमजोरी के बाद 43,550 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक बड़ी छलांग लगाई। 43,875 की अच्छी रिकवरी वहाँ से देखने को मिली, करीबन 300 पॉइंट से ज़्यादा की, और बंद होते होते भी हरे निशान में रहे। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को पता है कि उन्हें ऊपर ही जाना है और तेजी ही दिखानी है। अगर बाजार का ओवरऑल मूड माहौल कोई खास कमजोरी का ना हो तो ये शेयर लगातार ऊपर जाने को तैयार है। आज भी कमोवेश वैसा ही माहौल देखने को मिला, और यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कमजोर शेयरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी। वीकली एक्सपायरी थी और काफ़ी पोजीशन ऑप्शंस में बनी हुई थी निफ्टी में, इसीलिए छोटा ट्रेड आज दायरा छोटा नजर आया। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि ये हफ्ता अब तक बाजार के लिए अच्छा रहा है। आज की शांत क्लोजिंग से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,712 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,512 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए अब अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, आज जिस तरीके का हमें कारोबार देखने को मिला, क्या संकेत हमें मिल रहे हैं जितने भी ग्लोबल क्यूज या घरेलू संकेत नजर आ रहे हैं उससे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मार्केट्स को आज पसंद आया वो क्रूड के प्राइसेस कम होने का एक संकेत मिला है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर क्रूड यही लेवल पे सेटल होता है तो काफी ऐसे सेक्टर्स है जो ऑब्वियसली इससे बेनिफिट करेंगे। ज्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, केमिकल कंपनीज की बात करें, टायर्स, कार्बन ब्लैक, बहुत सारे कंपनीज क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मार्केट्स को डेफिनेटली एक पॉजिटिव ड्राइवर मिला। उसके बाद मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का GDP ग्रोथ का आंकड़ा फिश ने अपग्रेड किया है, मेरे ख्याल से मार्केट को अनुमान है कि अगले सेकंड हाफ में ग्रोथ अच्छी आएगी। वैसे भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। छोटी मझोली कंपनी, जैसे अनिल जी ने कहा कि बहुत बड़ी तेजी अभी भी दिख रही है, क्योंकि ऐसी कंपनीज ने अर्निंग्स बहुत अच्छी दिखाई है, बिजनेस कॉमेंट्री भी काफी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से देखिए इंडेक्स में एक्शन थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अगर कोई अपनाता है बेसिकली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में,
तो डेफिनेटली एक अच्छा रिवॉर्ड उनको मिल सकता है। आने वाला हफ्ता भी मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा। दिवाली होने के बाद ही मेरे ख्याल से मार्केट शायद स्टेट इलेक्शन के जो नतीजे है उसका थोड़ा बहुत डिस्काउंट करने लगेंगे, बट ओवरऑल मार्केट में मूड बाय ऑन डिक्लाइन का रहना चाहिए। बिल्कुल, तो बाजार पर रही है राय अविनाश जी की तरफ से। अविनाश जी, किसी को अभी लंबी अवधि का नजरिया बनाना हो बाजार में तो कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? देखिए, लंबी अवधि के लिए ऑटो सेक्टर में हमको टाटा मोटर्स पसंद है। ये इसलिए क्योंकि स्वाति, पिछले साल के हिसाब से टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा टर्न अराउंड दिखाया। पिछले साल कंपनी ने करीबन 2,800 करोड़ का मुनाफा कमाया था। इस बार पहले 6 मंथ्स ऑफ FY24 में ऑलरेडी कंपनी ने 7,100 करोड़ का मुनाफा कमाया। सबसे बड़ी बात, JLR का धंधा जो करीबन 75-80% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है, वहां पे अच्छी टर्न अराउंड हुई है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि मार्जिन्स और सेकंड हाफ में इंप्रूव होंगे, फ्री कैश फ्लो भी वो जनरेट करेंगे। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक पैसेंजर कार बिजनेस, इलेक्ट्रिक कार बिजनेस, कमर्शियल व्हीकल में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अच्छी खासी ग्रोथ आएगी, प्लस टाटा टेक्नोलॉजीज का जो IPO आने वाला है नवंबर, उससे भी एक अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग टाटा मोटर्स को मिलेगी। तो हमारा मानना है कि साल भर का अगर कोई नजरिया रखता है तो कम से कम 750 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं और काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदने का अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साल भर के लिए 750 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदना चाहिए। 750 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गुरक्षकर। आइए पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हरियाणा से राजेश कुमार हमारे साथ हैं। नमस्कार राजेश जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम। मैम, मेरे पास जोमाटो जी। का स्टॉक है, मैंने ये 100 में बाय किया था, 500 शेयर। तो अभी मैम इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में पूछना था मुझे। ओके, 100 रुपए की खरीद बिल्कुल जोमैटो पर। आज इनफैक्ट लगभग 3% की गिरावट हमने स्टॉक में जरूर देखी। जोमैटो में अभी आपको आगे आने वाले टाइम में क्या लेवल्स अविनाश जी नजर आ रहे हैं? फिलहाल 10,000 का मुनाफा इन्हें जरूर है, पर कब तक होल्ड कर सकते हैं? ये मेरे ख्याल से देखिए, जोमेटो ने लगातार पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव दिखाई है, और मेरा मानना है कि अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, तो देखिए जोमेटो में एक बात अच्छी हो गई कि ब्लिंकिट और जोमेटो ये दोनों ऑपरेशंस ब्रेक इवन हो चुके हैं। इनकी वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छी है। नॉर्मली फेस्टिव सीजन के टाइम पे इनके वॉल्यूम और थोड़े बढ़ते हैं। अभी वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में भी मेरे ख्याल से काफी हद तक जोमेटो का ऐप काफी लोग यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए। इनकी बाइंग प्राइस 100 रुपया, अभी 121 रुपया। अगर बड़ा मुनाफा चाहिए तो मेरे ख्याल से कम 1.5 साल का नजरिया रखें। तब तक मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग लेवल पे आएगी, तो यहाँ से और भी अच्छी रेटिंग होगी। मेरे अनुमान से 150-160 का पहला टारगेट रहेगा, तो तब तक होल्ड ऑन करने की राय। तो होल्ड ऑन करने की राय जोमैटो पर आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गुरक्षकर जी की ओर से। आइए अब अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। ओडिशा से अनिल कुमार हमारे साथ हैं। नमस्कार अनिल जी, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैडम, मेरे पास स्टेनलेस टेक का 143.60 पैसे में है, 170 शेयर। सर मैं होल्ड कब तक के व्यू के लिए करूँ? रखा है आपने? मैडम 6 महीने के लिए। ओके, 6 महीने के लिए स्टरलाइट टेक। कैसा लग रहा है अविनाश जी आपको? ये देखिए, मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 6 महीना है तो मैं समझता हूँ काफी छोटी टाइम पीरियड इन्होंने सिलेक्ट की है, क्योंकि देखिए नंबर्स तो कंपनी के थोड़े से खराब आ चुके हैं 2nd क्वार्टर के। हालांकि इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, 5G रोल आउट होने के बाद ऑप्टिक फाइबर की जो खपत है वो काफी बढ़ेगी, बट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना इनको जरूरी रहेगा, क्योंकि काफी हद तक मार्केट्स अभी भी ये खराब परफॉर्मेंस को पचा नहीं पाई है। नंबर्स उम्मीद से काफी खराब आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया 6 से 12 महीने का ये रखते हैं तो डेफिनेटली पिकअप ऑपरेशन में हो सकता है, आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में रिकवरी हो सकती है। तो 6 to 12 months के नजरिए से होल्ड करें। छोटा टाइम फ्रेम में कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं। थोड़ी लंबी अवधि के लिए स्टरलाइट टेक में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है अविनाश गुरक्षकर जी की ओर से। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से दीपक सोधी जी सवाल हमें भेजे। एमटार टेक इनके पास है अविनाश जी, और जानना चाह रहे हैं कि इस स्टॉक में क्या रहे इनकी स्ट्रेटेजी। मैं इनके लेवल्स आपको बता दूं, इनके पास 100 शेयर है 2,550 की खरीद के साथ। जानना चाहते हैं एमटा टेक में फिलहाल अभी इन्हें करना क्या है? खरीद काफी ऊंची है इनकी, 28,000 का नुकसान भी झेल रहे हैं। कैसा लगता है सर आपको इस स्टॉक, और इनकी खरीद पर राय क्या रहेगी?
देखिए एमटार टेक्नोलॉजीज में आज जो गिरावट का कारण था वो ये था कि सेकंड क्वार्टर के नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग आ गए। मार्केट का अनुमान था कि नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन नंबर जब आ गए तभी बहुत ही खराब थे, बहुत टॉप लाइन फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि एमटार टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस, स्पेस, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए भी सप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट पोटेंशियल तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्टॉक अंडर परफॉर्म करे क्योंकि नंबर्स उम्मीद से बिल्कुल नीचे आ गए। इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपरी लेवल की, अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है स्वाति तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड नियर टर्म में आएगी ऐसा लगता नहीं। तो थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है तभी एमटार टेक में बने रहने की सलाह आपके लिए आई है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए आगे बढ़ते हैं, जयपुर से विनीत जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार विनीत जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास BLS इंटरनेशनल के 723 रुपए के भाव पे और मैं 10 साल के लिए होल्ड कर चुका हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए मैम इसमें? कब लिया आपने ये स्टॉक 26 रुपए में? ये मैडम लगभग 2.5 साल हो गए। बिल्कुल 2021 के आसपास लिया होगा या उसके थोड़ा। हाँ ओके, आप कह रहे लंबी अवधि के लिए रखना चाह रहे हैं स्टॉक को? हाँ लंबी 10-15 साल रख सकता हूँ मैं। ओके बहुत लंबा नजरिया BLS इंटरनेशनल में। सर काफी इनकी वैल्यू पिक है BLS इंटरनेशनल, काफी लंबा रखना चाह रहे हैं और एंट्री पॉइंट भी बहुत अच्छा रहा है, मुनाफा बहुत अच्छा कमा रहे हैं। सर अभी स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए अब इन्हें? मेरे ख्याल से पहले तो ये इन्वेस्टर को मैं बधाई दूंगा कि 26 रुपीज में इन्होंने बहुत ही अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड की है। देखिए BLS इंटरनेशनल वीसा प्रोसेसिंग के बिजनेस में है और इंडिया में एकमात्र कंपनी है जहां पे ये बहुत ही एसेट लाइट मॉडल चलाते हैं और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इनफैक्ट एक नोटोरी पॉइंट जो मैं बता दूं कि ये कंपनी में कर्जा बिल्कुल नहीं है और इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो नेगेटिव है, यानी पहला पैसा लेते हैं बाद में सर्विस देते हैं। कंपनी का जो Q2 के नंबर्स आ गए स्वाति बहुत ही दमदार नंबर आ गए। मेरे ख्याल से आज स्टॉक थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन नजरिया अगर अब इनका कम से कम 1-1.5 साल का है तो अच्छी खासी कमाई होगी। मेरे ख्याल से 340-350 का नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो इनको अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे होल्ड करें। मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर्स और आने वाला जो साल रहेगा वो भी काफी तगड़ा होना चाहिए। और इनका नजरिया भी है काफी लंबी अवधि का, तो आराम से बने रहिए BLS इंटरनेशनल में, आपको यही सलाह आ रही है अविनाश जी की तरफ से। अगले कॉलर मध्य प्रदेश से राहुल कुमार जी से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम एंड थैंक यू फॉर प्लेजर। और मैम एक्चुअली मेरे पास PC ज्वेलर्स के शेयर है, 280 शेयर है एट द रेट ऑफ 78.6 और इसके साथ में मैम एमटार टेक्नोलॉजी भी है मैम, 2703 का खरीद है और इसके 6 शेयर है मैम अभी। अच्छा पीसी ज्वेलर्स और एमटार टेक में बस अभी हमारी चर्चा हुई है, हमारे एक और दर्शक ने लिए थे ये स्टॉक। पीसी ज्वेलर्स पर एक राय ले लेते हैं सर, पीसी ज्वेलर्स पर आपकी राय क्या रहेगी? वैसे एक बार बता दीजिए मुझे राहुल जी कि कब तक का आपका नजरिया है दोनों स्टॉक्स पर रखने का? मैम लॉन्ग टर्म है पीसी ज्वेलर्स पे, बट थोड़ा फंसा हुआ है मैम, तो एक्चुअल में मैं निकलना चाह रहा था। ओके सर क्या कर सकते हैं पीसी ज्वेलर में अभी? मेरे ख्याल से देखिए स्वाति पीसी ज्वेलर्स मैं चाहूंगा कि ये एक कोई भी अपसाइड में इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इस कंपनी में काफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी हो चुके हैं। शेयर एक जमाने में 350-400 रुपया हुआ करता था, अभी मेरे ख्याल से पूरे मार्केट का जो व्यू पॉइंट है वो नेगेटिव है, क्योंकि अभी भी कंपनी में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिली है। अगर आपको ज्वेलरी स्टॉक्स खरीदना ही है तो कल्याण ज्वेलर्स है, उसके बाद टाइटन है। अगर मान लीजिए इनको थोड़ा सा इस ट्रेड से मुनाफा कमाना है तो मैं इनको यही कहूंगा कि अगर वो चाहे तो बैंकिंग सेक्टर में फेडरल बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, यहाँ पे निवेश करिए। पीसी ज्वेलर में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी बढ़त आएगी, इनफैक्ट ये थोड़े से इस पोजीशन में अटके हुए जरूर है, लेकिन यहाँ से थोड़ा लॉस बुक करके वो अगर वो कैपिटल स्विच करके कोई दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे मैंने बताया, तो वहां पे कम से कम साल भर के नजरिए से अच्छी खासी कमाई होगी। तो यही राय मुझे देनी थी, पीसी ज्वेलर से हो सके तो निकल जाइए। पीसी ज्वेलर से निकलिए, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, ऐसे स्टॉक्स हैं सेम फ्रेटर्निटी के जहां पर आप जा सकते हैं, या फिर बैंकिंग क्षेत्र से फेडरल बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक जिसका जिक्र किया है अविनाश जी ने। दिल्ली से सत्येंद्र कुमार से बात करते हैं। नमस्कार सत्येंद्र जी, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैम मेरे पास मैम जी ये ITC के 100 शेयर हैं।
और ये 491 के रेट से लिए थे जी, जिसमें लॉस चल रहा था मेरे को, क्या करे जी। बिल्कुल, अभी कब तक के लिए रखे हैं आपने ये स्टॉक? मैम 2 साल के लिए सोचा था। अच्छा, नहीं 2 साल में कितना टाइम निकल गया कि 2 साल और रखना चाह रहे हैं? ये मैम अभी मैं लिए थे ये 3-4 महीने पहले लिए थे। ठीक है, ओके, मतलब अभी लॉन्ग टर्म का नजरिया है आईटीसी में। सर 491 इनकी खरीद है लगभग 1.5-2 साल के नजरिए के लिए, कहाँ पर लेवल जाते हुए देख रहे हैं इस स्टॉक के आप? देखिए मुझे लग रहा है कि पहली बात तो स्वाति, इन्होंने शेयर तो अच्छा चुना है लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है। नजरिया अगर आईटीसी में आपको रखना है तो मिनिमम 1.5-2 साल का ही टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ा ट्रिगर तो इनके लिए उनकी होटल बिजनेस का शेयर का है। ऑब्वियसली होटल बिजनेस का शेयर इनको मिलेगा तो थोड़ी बहुत इनको बेनिफिट मिलेगी, तो मेरे ख्याल से नजरिया 1.5-2 साल का रखिए। आईटीसी बहुत अच्छी कंपनी है, डिविडेंड्स भी अच्छी देती है, लेकिन प्राइस इनका काफी ऊपरी लेवल पे, हो सके तो थोड़ा सा ये एवरेज भी करंट प्राइस पे कर सकते हैं। हालांकि अगर ये थोड़ा करते हैं तो इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी, और 1.5-2 साल में जो प्रॉफिट का पोटेंशियल है वो नॉट ओनली आईटीसी बट आईटीसी का जो शेयर मिलने वाला है जो काफी समय से मार्केट इंतजार कर रहा है उससे इनकी काफी अच्छी भरपाई होगी, तो अभी तो फिलहाल होल्ड करने की राय। होल्ड कीजिए, होल्ड करके रखे आईटीसी को, आपके लिए यही राय आ रही है अविनाश जी की तरफ से। सूरत से बिन्नी पटेल हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास एफपी स्माइल है, कार्बन क्वांटिटी 450 एवरेज से, तो मैंने 15-80 हो गया था तभी भी नहीं सेल किया था, तो मेरी सजेशन चाहिए कि क्या करना चाहिए आगे। बिन्नी जी आपके ना ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हैप्पीएस्ट माइंड्स मैंने आपका स्टॉक समझ पाई हूँ मैं, आपने कहा 450 आपकी खरीद है, बहुत ही बम्पर मुनाफा आपने कमाया है, लगभग डबल मुनाफे पर आप है, कितना लंबा आप रखना चाह रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स को, अभी कितना नजरिया आपका इस पे? 5-7 साल। ओके सर, हैप्पीएस्ट माइंड्स में तो इन्होंने बहुत ही शानदार मुनाफा कमाया है, काफी अच्छे पॉइंट पे एंट्री इनकी, सर क्या करने की सलाह देंगे अब आप इन्हें? मेरे ख्याल से देखिए इतना ज्यादा मुनाफा आईटी कंपनी में देखने के बाद यकीन नहीं होता, बट डेफिनेटली इन्होंने कमाया, मेरे ख्याल से यहाँ से कम 50% प्रॉफिट निकाल लीजिए, अपना कैपिटल फ्री करिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। देखिए आईटी सेक्टर में ग्रोथ डेफिनेटली आएगा लेकिन कम से कम अगले 2-3 क्वार्टर के लिए जो हेडविंड्स हम दूसरे आईटी कंपनीज में देख रहे हैं इंक्लूडिंग हैप्पीएस्ट माइंड्स में, यूएस की डिमांड अभी भी चैलेंजिंग लग रही है, मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में है, काफी कंपनीज ने अपना गाइडेंस काटा है, तो यहाँ पे कोई बड़ी अपसाइड शॉर्ट टर्म में होगी ऐसा लगता नहीं, तो मेरे ख्याल से अच्छा मुनाफा आप कमा रहे हो, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट निकाल लीजिए, अपना कैपिटल पूरी तरह से निकालिए और बैलेंस क्वांटिटी मेरे ख्याल से कम 1.5-1.5 साल के लिए होल्ड करिए। तो 50% कैपिटल निकालने की आपको सलाह हैप्पीएस्ट माइंड से आ रही है, मुनाफा काफी अच्छा कमाया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 40-50 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, धीमे धीमे अपनी मजबूती बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे थे और नैस्डेक फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में। देखते हैं अमेरिकी बाजारों में कल के एक्शन के बाद आज किस तरह का ट्रेड दिखता है। आज फिर से जेरोमी पावेल साहब का बयान भी है, उस पर भी नजर रहेगी, और लगातार 9 दिनों से तेजी दिखाने के बाद नैस्डेक क्या कुछ सुस्ती दिखाता है और कल की सुस्ती के बाद डाउ आज की अपनी कमजोरी आ जाता है या रिकवर होता है, ये देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। हमारे बाजारों का जहां तक सवाल है, कल फिर से कैश मार्केट में हल्की फुल्की बिकवाली का आंकड़ा आया और वायदा कारोबार में थोड़ी सी बिकवाली रही एफआईएस की, लेकिन लोकल फंड्स दम लगाकर खरीदारी कर रहे हैं और आज की भी स्क्रीन ये दिखा रही है कि एफआईएस की तरफ से आंकड़ा थोड़ी बिकवाली का ही रहने वाला है। ऐसे में कल के लिए 19,300-19,325 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर, और हायर साइड पर 19,450-19,475 ये रुकावट की जगह, उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 43,500-43,625 कल फिर से आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, ऊपरी स्तरों पर 43,875-44,000 की रेंज वो है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। सो ओवरऑल ग्लोबल संकेतों के दम पर करेंगे शुरुआत, अगर मजबूत संकेत मिले सीधा ऊपर खुलेंगे, अगर कमजोर संकेत मिले तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास रुककर बाजार फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। कल वीकली ट्रेडिंग सेशन है हफ्ते के अंत वाला, कल 19,500 के ऊपर अगर बाजार निकलकर बंद हो पाते हैं तो एक अच्छी वीकली क्लोजिंग के लिए बाजार तैयार हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए ग्लोबल मार्केट्स का बड़ा सपोर्ट, देखते हैं कल मिलता है या नहीं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन।
हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी बहुत स्वागत करते हैं, कहाँ पर मौके नजर आ रहे हैं कल आपको? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए मार्केट वैसे तो हॉलीडे मूड में है, बहुत डल है, ज्यादा मूवमेंट मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी कल के लिए दो ऑप्शन की रणनीति है मेरे पास। एक स्टॉक तेजी वाला है और एक स्टॉक मंदी वाला है। तो जो तेजी वाला स्टॉक है वो है एलएनटी। एलएनटी के अंदर 3020 वाला कॉल 48 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 40 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 60 रुपए से लेके 70 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो 3020 का कॉल एलएनटी का खरीदारी करना है। दूसरा जो स्टॉक है वो है एबीएफआरएल, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। इसका 215 का पुट लेने का सलाह रहेगा 8 रुपए के आसपास। 215 का पुट 8 रुपए के आसपास खरीदारी करें, 6 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में टारगेट 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी कल के लिए। जी बहुत धन्यवाद सुमित कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए। और अविनाश जी आपकी नजर में हफ्ते से 10 दिन का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? स्वाति हफ्ते और 10 दिन का नजरिया के लिए हमको लार्सन एंड टूब्रो काफी पसंद है। करंट प्राइस 3025 है। हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया तो 3150 3160 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। आपको यहाँ पे 2960 2970 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 8 से 10 दिन में तो जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन मीडियम टर्म के लिए भी इनको खरीदना है। मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव प्राइस है जहाँ पे अच्छा मुनाफा। ओके सर, एक बार थोड़ा टारगेट और स्टॉप लॉस फिर से रिपीट कर देंगे स्टॉक का, एलएनटी का टारगेट 3150 है और स्टॉप लॉस है 2965। ओके, लार्सन एंड टूब्रो में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से। यह है उनका पोजिशनल व्यू। बहुत धन्यवाद करेंगे अविनाश जी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।